हेलो हेलो क्रिप्टोवर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष। तो हमेशा की तरह दोस्तों हाजिर हूं आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट्स के बारे में, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के आसपास में है लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है, वही सब पता करेंगे। हमेशा की तरह दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हॉडल कीजिए। और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज यूज योर डिलिजेंस हमेशा की तरह। तो शेयर करते हैं हम लोगों की स्क्रीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र भाई, विनय भाई और दुर्गेश भाई आए हैं तो लाइक भी कर ही दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज कॉइन मार्केट कैप कुछ ज्यादा खास करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट ऑल्ट्स काफी अच्छे करते हुए फिर भी नजर आ रहे हैं, फिर भी। तो चलिए बात करते हैं ऑल्ट्स की ही। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आज है तकरीबन 5183 क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। और यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 222 बिलियन डॉलर्स की है। 24 घंटे का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 126 बिलियन डॉलर्स का है। और बीटीसी की डोमिनेंस 64.4, जबरदस्त हमेशा की तरह। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें आज की बीटीसी की हालत, तो 2.5% डाउन है, बट फिर भी एक स्विंग ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और टॉप गेनर्स की बात करें तो हम लोगों का फेवरेट आवे, जैसी बोला कि ये एक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है और 46% भाग गया ये। भगवान माफ करे, ऐसे रोज रोज बोले और ऐसी भागने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हेड्रा हैश ग्राफ, तो इनके कुछ न्यूज आई थी, तो कुछ एक लिस्टिंग विस्टिंग की न्यूज आई, उसके बाद में हेड्रा हैश ग्राफ भी भागता हुआ नजर आया। ब्लॉकस्टैक भी आज थर्ड नंबर पे है, काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों से और काफी अच्छा कर भी रहा है। बिगेस्ट लूजर्स की बात करें तो थेटा, क्योंकि इसका जो मेननेट था वो डिले हो गया है, अब इसकी वजह से ये डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। मैटिक 7.5% डाउन है, एल्गोरेंट 7.5% डाउन है। एनीवेज, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार हमारी वॉच लिस्ट का क्या हालत है, क्योंकि वॉच लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मेकर 5% डाउन, एफटीएक्स 2% डाउन, मतलब ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट डाउन नहीं है, सिर्फ रिजर्व को छोड़ करके रिजर्व 10% डाउन है। और कैलोस यानी कि जो पीएन के टोकन है वो 10% डाउन है। और देखिए हम लोगों का कल का बाय किया हुआ एक्रोपोलिस 25%, जबरदस्त। एनीवेज, तो चीजें होती है, कुछ एक अप जाती कुछ एक डाउन जाती है, लेकिन पोर्टफोलियो इसी तरह से बैलेंस आपका बना रहता है। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि कौन कौन से नए कॉइन है जो मार्केट कैप के ऊपर दोस्तों ऐड हुए हैं, किधर गया हम लोगों का रिसेंटली माफ कीजिए, मैंने लूजर्स एंड गेनर क्लिक कर दिया। आज हम लोग ये वैसी क्या कहते हैं, सिर्फ अपडेट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो भूल चूक लेनी देनी, तो प्लीज माफ कीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ होती है। तो कंपाउंड डाई यहाँ पर लिस्ट किया गया है, वेरी नाइस, सी डाई यहाँ पर लिस्ट किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनोवेटिव बायोसर्च एजैक कॉइन 3x, हाँ बीएनबी, यहाँ पर बीएनबी लिस्ट होने वाला है बाइनेंस के ऊपर, तो वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट कर दिया गया है। प्राइस $162 तबाही शॉर्ट का, और लॉन्ग का देखिए $504। क्या करना चाहते हो मेरे भाई? इलेक्ट्रोनीरो, वाह, इलेक्ट्रोनियम का छोटा भाई इलेक्ट्रोनीरो, ट्वीबा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब बकवास कॉइन है, छोड़ देते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले अपडेट है दोस्तों हम लोगों के पास में, एक नया आईसीओ आने वाला है दोस्तों, जो कि है आबरा सेलो नाम है इसका। और ये एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैच करता हुआ नजर आया है उससे, जो फेसबुक का जो लिब्रा कॉइन आ रहा था उससे। और यहाँ पर इनकी जो एसोसिएशन है उसके अंदर तकरीबन 50 प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं A16Z, जो कि क्या नाम है, एक क्या कहते हैं VC है, तो उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया। उसके अलावा यहाँ पर आबरा प्रोजेक्ट है, एलिस है, आबरा एक स्टेबल कॉइन है, और सी लैब्स इन्हीं का खुद का, यूट्रस्ट, देखिए यूट्रस्ट है यहाँ पर, मुझे नहीं समझ में आया क्यों यूट्रस्ट है यहाँ पर। और इसी तरह के बाकी सभी कॉइन बेस वेंचर्स भी है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर नाम आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री से नजर आएंगे, और वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका जो ICO बेसिकली चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका ICO स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सेलो ICO, तो ये होने वाला है कॉइन लिस्ट के ऊपर। तो कॉइन लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ये
इसका आईसीओ जो है होता हुआ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, अगर आप उससे ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ, मैंने तो यहाँ पर ज्वाइन किया है इन लोगों को, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, मुझे ठीक ठाक प्रोजेक्ट लग रहा है और मैं इसलिए इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा सकता। देखिए वैसे कॉइनलिस्ट के ऊपर बहुत कम ही प्रोजेक्ट जो है लिस्टिंग या आईसीओ के लिए आते हैं, क्योंकि ये यूएस बेस्ड वो है फर्म है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे ही उल्टा सीधा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, तो वो चक्कर है, है ना। तो बस एक सेकेंड, 757939, ओके कूल। तो कॉइनलिस्ट एक एक्सचेंज भी है जो कि यूएस के अंदर ही वर्क कर रही है और काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है, काफ़ी अच्छा इसका रुतबा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन यूएस पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो यहाँ पर वैसे मैंने रजिस्टर किया हुआ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्यों उसने रजिस्टर दिखाया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाइड हूँ, यहाँ पर मैं सक्सेसफुली कर चुका हूँ, उसको मैंने 21 फरवरी को किया था। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो इसको ज़रूर, UTK क्या अच्छा कॉइन है तो होल्ड फॉर प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं शराज भाई बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, UTK ठीक ठाक प्रोजेक्ट है। तो उनकी एसोसिएशन क्यों ज्वाइन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो खुद एक क्या कहते हैं पेमेंट प्रोसेसर की तरह वर्क करने वाला है, और वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि ये उस तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर 3-4 इन लोगों के जो है CEO बदल चुके हैं और प्रोजेक्ट उतना खास कुछ अच्छा करता हुआ नहीं नजर आ रहा। हम लोग बात कर रहे थे वैसे सेलो की, तो ये भी एक स्टेबल कॉइन है और स्टेबल कॉइन इसकी इकोनॉमी रहने वाली है, और उसी तरह से ये आगे काफ़ी सारे मर्चेंट्स और वो सब, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक कोटी का कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है ना, तो वो सब चीज़ें। और एक और प्रोजेक्ट है कैरलॉस करके है शायद उसका नाम, कैलरॉस, तो ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है मेजर, कोटी ये और ये 2-3 प्रोजेक्ट है जो कि आपस में इसी तरह से कॉम्पिटिटर रहने वाले। नेक्स्ट है दोस्तों एवा लैब्स ने अपना एक नया जो है बाउंटी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें तकरीबन $50,000 का बाउंटी मिलने वाला है, अगर आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो जरूर जाइए, अगर आप बाउंटी हंटर है मेजरली क्या कहते हैं कोड्स के अंदर, और बग बाउंटी अगर आप कोड के अंदर अगर आप ढूंढ पाते तो $50,000 तक का आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके एक्स की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने तकरीबन 400,000 का एक तरह से गिव अवे बोल रहे हैं, और ये आपको 50% तक ये लोग ट्रेडिंग फीस के अंदर, सिर्फ इंडियंस के लिए ट्रेडिंग फीस के अंदर डिस्काउंट देने वाले हैं, और पहला इसके अंदर ये 50% का डिस्काउंट है, और दूसरा है मगर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इन्हीं के इस लिंक के थ्रू, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा है लकी बॉक्स की, अगर कोई लकी पर्सन होंगे तो उसमें से 1 पर्सन को 1 इथेरियम दिया जाएगा गिव अवे के तौर पर। और अगर इनकी बात करें तो तकरीबन OKX ने 3 चीज़ें नहीं करी है, ADA USD प्रिपिचुअल स्वैप स्टार्ट किया है, डैश का भी प्रिपिचुअल स्वैप स्टार्ट किया है, और लिंक का भी प्रिपिचुअल स्वैप स्टार्ट किया है, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए इन्होंने 3 नए रिसेंटली। और बाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो बाइनेंस का EOS स्टेकिंग स्टार्ट किया है इन्होंने, और आज की ही अनाउंसमेंट हुई है कि ये लोग अपना जो BNB का बुल और बेयर टोकन भी ये लोग कल लिस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों के पास में, व्हाट इज दिस, सोलाना का भी ICO आने वाला है, जो कि ये भी कॉइन लिस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो 17 तारीख तक आप कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के आपको अपना पूरा KYC देना पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, KYC के बिना यहाँ पर मामला फिट नहीं हो पाता है, KYC होता है बहुत तगड़े वाला, उसके बाद में फिर आपका जो है चीज़ें अप्रूवल होती है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सोलाना अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी टीम है, 2018 से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और इन लोगों की अगर हम लोग उसकी बात करें क्या कहते हैं टोकन जो है तकरीबन 15 सेंट से लेकर के और तकरीबन 5 सेंट से लेकर के 20-25 सेंट तक सेल हुआ है प्राइवेट सेल के अंदर, और अभी ये लोग इसको एक तरह क्या कहते हैं किस उसमें लेकर के आ रहे हैं, ये लोग ऑक्शन बेसिकली होने वाला है, ऑक्शन टाइप में होगा और प्राइस शायद ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर नीचे आता रहेगा, उस तरह से इनका सेल होने वाला है, तो मैं पार्टिसिपेट करके देखूंगा, और क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट सेल में बाय नहीं किया था, मुझसे मिस हो गया था प्राइवेट सेल में बाय करना, बट मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर अच्छे प्राइस रेंज पे अगर मिलेगा तो मैं बिल्कुल इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सिंथेटिक सेक्स ने अपना एक क्या कहते हैं जो स्टेकर्स है उनको तकरीबन पर 100 स्टेकिंग के ऊपर 2.5 SNX टोकन दिए, उसके अलावा इन लोगों का नया मेजर अपडेट आया जिसके अंदर इन लोग ये लोग अपनी खुद की जो एक्सचेंज है वो लेकर के आने वाले, जो इनका रोड मैप है, रोड मैप इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब कुछ अपडेट्स करे इन्होंने बेसिकली,
तो चीजें मतलब और एक तरह से आप कह सकते हैं और ज्यादा अच्छी होने वाली है, और ज्यादा लेकर के आने वाले हैं यहाँ पर मोबाइल इंटरफेस लेकर के आने वाले, क्योंकि मोबाइल के ऊपर अभी तक आप इसको मिंटर को और इस सबको नहीं चला सकते थे, तो अभी ये लेकर के आएंगे नई नई चीजें, नई क्रिप्टो जो है सिंथ वो ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, लेवरेज सिंथ करेंगे, उसके अलावा बाइनरी ऑप्शंस लेकर के आएंगे, उसके अलावा एडवांस्ड ऑर्डर टाइप होंगे, ट्रेडिंग इंसेंटिव्स होंगे, अगर आप ट्रेडिंग करेंगे इंसेंटिवाइज करेंगे आपको, एसएक्स इंटरफेस इनहेंसमेंट और ऑप्टिमिस्टिक रोल अप्स, और ये क्या है सिंथेटिक फ्यूचर, और ये सब चीजें लेकर के आएंगे। तो काफी सारी काम करने वाले ये लोग आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या चीजें ये लोग लेकर के आने वाले, तो पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है इन लोगों का क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर, मेजरली क्वार्टर टू तक सारे के सारे जो है चीजें आने वाली है इन लोगों की। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों के पास में फैंटम, फैंटम लेकर के आ रहा है अपना खुद का एक डीफाई प्लेटफॉर्म, और अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आप लोग इसको सबसे पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर के आप अर्ली एक्सेस का ट्राई कर सकते हैं, phantom.finance.com है। यहाँ पर अर्ली एक्सेस के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी डालिए और फिर आपको अर्ली एक्सेस का ईमेल आएगा। देखते हैं किस तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि फैंटम पंप के लिए कुछ भी करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों बिटफिनेक्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लोग टेदर गोल्ड के अंदर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो लेकर के आ रहे हैं, उसकी प्रिपिचुअल स्वैप लेकर के आ चुके हैं, और उसके अंदर ट्रेडिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, तो काफी अच्छी न्यूज है। 100x लेवल्स तक ये लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं इसके ऊपर। तो गोल्ड यूएसडीटी जो है ये लोग लेकर के आए, गोल्ड बैग जो यूएसडीटी है वो लेकर के आए। एनीवेज आती रहेंगी चीजें। आरवेव क्या घटिया प्रोजेक्ट है, इसने अभी रिसेंटली मार्केट से $8 मिलियन और उठाए हैं, जबकि ये ऑलरेडी दोस्तों माइन हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है इसके अंदर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, देखिए ऑलरेडी आपको ये एक ओटीसी के ऊपर सेल होता हुआ मिल जाएगा, आप वहां पर बाय कर सकते हैं। $8.3 मिलियन तक हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं देख सकते हैं कि इन्होंने पिक किए हैं 3-4 कंपनीज से, और मुझे नहीं पता कितना करना चाहेंगे ये लोग और क्या कितना पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे। ऑलरेडी इन लोगों का आरवेव का जो है माइनिंग हो रहा है, वो सब चीज हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आईओ होने वाला, दोस्तों हम लोग आईओ कह रहे हो सॉरी एएमए होने वाला है हम लोगों के यहाँ पर कल, जो कि शाम को तकरीबन 7:30 बजे होगा, earnbet.io के साथ में है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछने चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, डाल दीजिए पिन किया हुआ था हम लोगों ने पोस्ट और ग्रुप के अंदर, आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कीजिए। तकरीबन $10 पर पर्सन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा तो नेक्स्ट तो वैसे एंड हो चुका है। तो ये थे दोस्तों हम लोगों के अपडेट्स जो कि आप लोगों को देने थे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक कीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, और भाई थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद।